नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं दीपक कुमार तिवारी। प्रस्तुत है पब्लिक न्यूज टीवी पर बिहार की खास खास खबरें। उधर बिहार में राजधानी पटना में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय सदानंद सिंह का पार्थिव शरीर बिहार विधानसभा लाया गया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत आत्मा की चिर शांति की भी कामना की गई। वहीं सदानंद सिंह के निधन पर हम पार्टी ने भी शोक व्यक्त किया है। हम पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने अपने शोक संदेश में क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह जी के निधन की सूचना से निसंदेह पूरा बिहार स्तब्ध है। काफी दिनों से वो बीमार चल रहे थे, लेकिन फिर भी उस दौरान जब हम अस्पताल में उनसे मिलने गए थे तो उस वक्त भी उन्हें बिहार के आम आवाम की चिंता थी। उनके निधन से पूरा बिहार शोककुल है। बिहार में बाढ़ आपदा एवं अल्प वृष्टि से उत्पन्न हालात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 5.5 घंटे तक यह मैराथन बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णय लिया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण जहां किसानों के द्वारा फसल नहीं लगाई जा सकी है, उसे फसल क्षति मानते हुए सभी किसानों को उचित सहायता मिलनी चाहिए। साथ ही किसानों की फसल क्षति का भी आकलन करने का उन्होंने निर्देश दिया है। उधर हरि ठाकुर के बयान पर हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान का बयान आया है, देखिए उन्होंने क्या कहा। ये कहे कि हर थानों में तकरीबन मंदिर है, तो हमें भी थानों में मस्जिद बनाने दिया जाए, चर्च बनाने दिया जाए, गुरुद्वारा बनाने दिया जाए, ये कहीं से ठीक नहीं है। तो वहां मस्जिद भी बनाया जाना चाहिए, नमाज पढ़ने में दिक्कत होती है। मुझे लगता है ऐसे सांप्रदायिक बयान से बचना चाहिए। उधर समस्तीपुर में स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने ITI कॉलेज मोरवा डी का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बहुत दिनों से हम लोग विधानसभा में भी इस बात को उठा रहे थे और सरकार से भी आग्रह कर रहे थे कि समस्तीपुर जिला मुख्यालय में छात्र छात्राओं के लिए इस तरह की ITI की संस्था की सख्त आवश्यकता थी, जो आज पूरा हुआ है। इसके लिए हम समस्तीपुर की पूरे जिले की जनता को, खासकर समस्तीपुर विधानसभा की जनता को और पूरे जिले की जनता को, ऐसे तो इसमें दूसरे जिले के भी बच्चे आके पढ़ सकते हैं और कई लोगों ने नामांकन लिया है, सभी को बधाई देते हैं। उधर खगड़िया में जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री कृष्ण नंद यादव ने प्रेस वार्ता की है और पप्पू यादव की रिहाई की मांग की। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। कुछ कुछ नैसर्गिक गुण होता है जिसकी वजह से इसको जहां जाना चाहिए वहां चले गए। पार्टी में कोई टूट नहीं है, व्यक्ति गया है, हमारा परिवार था, हमारे परिवार से कोई एक सदस्य चला गया है। उनको संघर्ष का रास्ता पसंद नहीं आया, उनको सत्ता प्राप्ति की जल्दी है, वो अपना रास्ता अपनाते हुए अपनी जगह पर चले गए हैं। रोहतास जिला के डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ आज डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋतिक की जमकर क्लास लगाई। नगर में जल जमाव तथा जाला नाम होने से संबंधित मामले को लेकर वे नाराज थे। समर्थकों के साथ विधायक यहां पहुंचे, नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर भड़क गए। समस्तीपुर के कल्याणपुर चौक पर भाकपा माले प्रखंड सचिव दिनेश कुमार की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कल्याणपुर के JDU विधायक एवं बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी के द्वारा भाकपा माले कार्यकर्ताओं को अपशब्द कहने से संबंधित इस मौके पर यहां नाराज कार्यकर्ताओं के द्वारा उपाध्यक्ष महेश्वर प्रसाद हजारी का पुतला दहन भी किया गया। उधर तारापुर में पंचायत चुनाव 2021 के लिए प्रथम चरण के नामांकन के अंतिम दिन तारापुर प्रखंड में 111 प्रत्याशियों ने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। उधर जमुई से खबर मिल रही है, जहां एक बोतल पानी की खातिर एक हत्या को अंजाम दे दिया गया। बताया जा रहा है कि एक बोतल पानी को लेकर रेफरल अस्पताल के गार्ड ने सुपरवाइजर को मार डाला। 1.5 साल पहले रेफरल अस्पताल झाझा में कार्यरत वह युवक था, अरवल जिले का रहने वाला मृतक था। इस मामले में बताया जा रहा है कि रेफरल अस्पताल लक्ष्मीपुर में महज पानी की एक बोतल को लेकर ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने सुपरवाइजर की पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई के सदर अस्पताल लाया गया। मृतक सुपरवाइजर की पहचान अरवल जिले के मेहदिया गाँव के निवासी छकौरी साव के 33 साल के पुत्र मिथिलेश साव के रूप में की गई है। मामला संज्ञान में आया है कि एक मुंशी और वहाँ के एक कर्मी थे के बीच में पानी के बोतल को लेकर आपस में विवाद हुआ, जिसमें हाथापाई हुआ है और जिसमें एक व्यक्ति को अंदरूनी चोट लगी है और इलाज के क्रम में उनका निधन हो गया है। उधर मुजफ्फरपुर में जिला राजद अल्पसंख्यक संघ के उपाध्यक्ष मोहम्मद गाजी शाहनवाज ने बंदरा में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बदतर हालात पर चिंता जताया है।
उन्होंने बताया कि स्थानीय आरजेडी विधायक निरंजन राय के लगातार प्रयास के बावजूद बंदरा प्रखंड की स्कूली शिक्षा व्यवस्था सुधारने का नाम नहीं ले रही है। खासकर उत्क्रमित हाई स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था खस्ता हाल स्थिति में है। उन्होंने कहा कि उत्क्रमित हाई स्कूल बंदरा तथा उत्क्रमित हाई स्कूल सकरी की शिक्षण व्यवस्था सुधारने के बजाय और बिगड़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि स्थानीय विधायक निरंजन राय के द्वारा दोनों विद्यालयों का पिछले दिनों दौरा किया गया था। संबंधित प्रधानाध्यापक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। बंदरा में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। उन्होंने बताया कि दोनों विद्यालयों का उन्होंने निरीक्षण किया है, कई तरह की कमियां उन्होंने देखी है। इसके खिलाफ वे जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि वे स्थानीय विधायक से भी मिलेंगे और फिर से इस तमाम मामले को लेकर सदन में मामला उठाने का अनुरोध करेंगे।